गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसे अपने घायल बच्चों के इलाज के लिए कई अस्पतालों में भटकना पड़ा, लेकिन जिले के 6 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी उसके बच्चे को सही इलाज नहीं मिला। घटना कासना के ढाड़ा गांव की है, जहां रहने वाले गुलशन कुमार के मुताबिक सुबह 8 बजे उनका बेटा छत से नीचे गिर गया, जिसके बाद वो बच्चे को इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में ले गए, जहाँ फर्स्ट एड के बाद बच्चे को CHC बिस्रक रेफर कर दिया गया। गुलशन कुमार का आरोप है कि बिस्रक CHC में सीटी स्कैन और एक्सरे की सुविधा नहीं होने का हवाला देते हुए उनके बच्चे को एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां सिर्फ कोविड मरीजों का इलाज होने की बात कहकर दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। गुलशन का कहना है कि वहां डॉक्टरों ने इलाज पर 25,000 रुपये का खर्च आने की बात कही। गुलशन के मुताबिक इतना खर्च करने में असमर्थता जताने पर बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल से बच्चे को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं CMS मामले की जांच की बात कह रहे हैं। गोरखपुर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और भाले चलते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो सोपड़ी शिवराजपुर गांव का बताया जा रहा है। SP साउथ विपुल श्रीवास्तव के मुताबिक वीडियो 13 जून का है, जब आम तोड़ने के विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। आम को तोड़ने के लेकर विवाद हुआ था, जिसमें 13 जून को ही वहां पे अपराध पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्ष ने अपनी तहरीर दी थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी में मामूली कहासुनी को लेकर महिलाओं के दो पक्षों में जमकर चप्पलें चली। पुलिस के मुताबिक गुड्डू नाम का एक युवक कॉलोनी निवासी सलमान को ड्यूटी पर जाने के लिए बुलाने आया था और तीसरी मंजिल पर रह रहे सलमान को नीचे खड़ा होकर आवाज देने लगा। ग्राउंड फ्लोर पर रह रही अमरीन ने इसका विरोध किया और अपने बेटे के साथ मिलकर गुड्डू की पिटाई कर दी। इतने में सलमान की पत्नी गुलिस्ता नीचे आकर गुड्डू को बचाने लगी तो अमरीन ने उसकी भी पिटाई कर दी। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और बाकी महिलाएं वहां पहुंची और उन्होंने अमरीन को पीटना शुरू कर दिया।